बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट टू शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एग्जांपल नंबर 16.9 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 16.9 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ रैंडम सैम्पल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन नोन टू बी नॉन नॉर्मल यील्डेड द सैम्पल वैल्यूज एक्स बार इज इक्वल्स टू 182 एंड एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 299। टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 180 अगेंस्ट एच वन म्यू इज ग्रेटर देन 180 लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। एग्जाम्पल नंबर 16.9 में उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि आपके पास रैंडम सैम्पल यानी कि स्मॉल एन 100 है, इसमें जो पॉपुलेशन हैं वो आपके पास नॉन टू बी नॉन नॉर्मल है, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो नॉन का है लेकिन जो वैल्यूज़ हैं एन जो है वो 30 से बड़ा होने की वजह से ये नॉन नॉर्मल का केस बन गया है, जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सैम्पल्स की बन गई हैं, यानी कि स्मॉल एक्स बार जो कि है 182 और कैपिटल एस के ये है वेरियंस लेकिन अकॉर्डिंग टू सैम्पल, तो ये सैम्पल वेरियंस है आपके पास जो कि है एस के इज इक्वल टू 299। हमें सिंपल एस चाहिए होता है तो हम इसका अंडर रूट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल एस की। उसके बाद जो हाइपोथेसिस है वो दोनों एच नॉट और एच वन इन्होंने आपको गिवन दे दिया है। अब एच नॉट और एच वन आपको गिवन है तो आप एच वन तो यही वाला यूज़ करेंगे, अब एच नॉट आप इक्वल्स टू वाला नहीं यूज़ कर सकते, जो गिवन है आप वही यूज़ करेंगे और अल्फा आप लोगों के पास 0.05 है। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 16.9 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 16.9 में सबसे पहले हम लोगों के पास जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें आपने अपना हाइपोथेसिस मेंशन करना है जो कि आ जाएगा एच नॉट म्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू 180। अब इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो म्यू की वैल्यू है वो है 180 और अल्टरनेट आ जाएगा एच वन जो कि है म्यू इज़ ग्रेटर देन 180। अब अगर आपको क्वेश्चन में जब हाइपोथेसिस गिवन होंगे तो आपने वही वाले यूज़ करना है, यही स्टेप मैंने आपको क्लियर किया था कि हाइपोथेसिस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे तो आपने वही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप दूसरा वाला जो इसका अल्टरनेट मैंने आपको बताया था जिसमें इक्वल है आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गिवन ना हो। अब इसमें गिवन है तो हमने देन यही वाला यूज़ करना है। अब अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा 0.05 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप है हम लोगों के पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसमें फार्मूला बनेगा जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू कैपिटल एस बाय अंडर रूट एन। तो आपने ये फार्मूले के अंदर सब वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले जो एक्स बार है उसकी वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन में है 182, देन म्यू है आपके पास 180, उसके बाद जो एस है आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो है एस स्क्वायर जो कि है 299। आपको चाहिए सिंपल एस तो आप इसका कर लेंगे अंडर रूट ताकि आपके पास आंसर आ जाए सिंपल एस का। अब उसके बाद जब आपने सिंपल एस निकाल लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 17.291। अब हम यहाँ पर वैल्यू को लिखेंगे, सबसे पहले 17.291 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन जो है हम लोगों के पास वो है अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 जब आप सॉल्व करेंगे तो वो हम लोगों के पास इक्वल आता है 10 के। सबसे पहले 182 में से 180 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 17.291, अभी इसी तरह से आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 आता है 10। तो 17.291 को हम 10 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.7291। अब आप 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.7291 के साथ तो आपके पास यहाँ पर z का जो है वो आंसर आ जाएगा 1.15667। अब इस आंसर को आप इस तरह हाईलाइट करके लिख देंगे कि 1.1566 आपके पास z का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन जो आपके पास हाइपोथेसिस बना है एच वन वो आपके पास ग्रेटर का बना है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो क्रिटिकल रीजन है वो आपने जो वैल्यू है वो जी अल्फा में देखनी है सिंपल और वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव की क्योंकि आपके पास जो एच वन है वो ग्रेटर के साइन के साथ है तो ये आपके पास 0.05 को जब आप 1 टेल में देखेंगे तो आपके पास 1.64 आंसर आएगा। 2 टेल में देखते हैं तो 1.96 आता है, 1 टेल में देखते हैं तो 1.64 आता है। अब हमने यहाँ पर राइट साइड पर ग्राफ ड्रॉ किया और राइट साइड पर आपके पास आ जाएगा 1.64। सबसे पहले हमने 1.64 लिख लिया। अब जो वैल्यू है हमारे पास z की वो है 1.1566 यानी कि आप 1.15 समझ लें। अब ये 1.64 है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है z की
ये 1.64 से छोटी है, तो इसका मतलब है कि ये इस रीजन में आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1.1566। अब यहाँ पर ये वैल्यू z की लिखने के बाद, अब आपके पास जो एरिया है ज़ीरो से 1.64 के मिड में ये वैल्यू लाए कर रही है, तो लाए होने की वजह से आप ये पूरा एरिया जो है ये शेड कर देंगे। और ये एरिया शेड करने के बाद ये आपकी जो z की वैल्यू है वो इस रीजन में आ रही है, 0 से 1.64 के रीजन में। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है एक्सेप्ट। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल की थी उसमें वो रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन इस तरह के केस में आपके पास ये एक्सेप्ट हो गया, और इस तरह से आप ये पूरा एरिया शेड कर देंगे एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सो वी कंक्लूड दैट द z इज इक्वल्स टू 1.1566 लाई इन द क्रिटिकल रीजन। अब हम लाई करेंगे, क्योंकि ये लाई कर रहे हैं ना, इसके मिड में आ रहा है। लाई का मतलब है कि इसके दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंक्लूजन लिखा है, सिंस वी कंक्लूड दैट द z इज इक्वल्स टू 1.156 लाई इन द क्रिटिकल रीजन, और लाई का मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है दरमियान, कि ये उस रीजन के मिड में आ रहा है, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो इस केस में हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है एक्सेप्ट एच नॉट, हमने जो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.9 कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ स्टेप है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जो कि है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन द मीन। जैसे हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल में डिफरेंस बिटवीन मीन पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन पढ़ेंगे। इस केस में हम लोगों के पास इसकी स्टेटमेंट है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स विद फॉलोइंग थ्री केसेस। आपके पास जिस तरह से हमने पहले टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन का हम लोगों ने थ्री केसेस पढ़े थे, अब उसी तरह से हम लोग टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन मीन के तीन केसेस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद होगा विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद थर्ड होगा कि आपके पास जो पॉपुलेशंस होंगी वो दोनों नॉन नॉर्मल होंगी, लेकिन जो वो आपके पास सैम्पल साइज होगा वो भी लार्ज होगा। तो ये तीन केसेस हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, हम लोगों के पास इस केस में फर्स्ट स्टेप है, बोथ पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपके पास जो दोनों पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्मल की हों और आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो नॉन हों। थर्ड, सेकंड केस आएगा, बोथ पॉपुलेशंस आर नॉर्मल, दोनों पॉपुलेशंस आपके पास नॉर्मल होंगी लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन होगा। अब नॉन के केस में आप लोगों ने यहाँ पर सिग्मा वन और सिग्मा टू यूज़ करना है, सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर। ठीक है, अननोन के केस में आपने एस यूज़ करना है, एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर। और इस केस में आपके पास सैम्पल साइज भी लार्ज है और नॉन नॉर्मल का केस है। अब इसमें ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एस तो आप एस यूज़ करेंगे, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस वन, जो कि है बोथ पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस केस के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास, इसको हम कह देंगे केस वन, जब हम सेकंड पढ़ेंगे उसको हम कह देंगे केस टू, और जब हम थर्ड पढ़ेंगे उसको हम कह देंगे केस थ्री। तो फर्स्ट केस है हम लोगों के पास, जिसकी हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, लेट एक्स बार वन बी मीन ऑफ फर्स्ट रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन वन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू वन एंड नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन। अब इस केस में आपके पास जो मीन है इस फर्स्ट रैंडम सैम्पल का, क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंस बिटवीन मीन है, तो जिस तरह से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन मीन में आपके पास टू मीन्स होते हैं और टू एक्स बार होते हैं, टू मीन्स होते हैं, उसके बाद टू एन होते हैं और टू ही आपके पास वेरियंसेज होते हैं। अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट में एक्स बार है वो आपके पास मीन ऑफ द फर्स्ट रैंडम सैम्पल होगा, जिसका साइज़ एन वन होगा, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो मीन होगा वो म्यू होगा, जिसको आप म्यू वन कहेंगे, और जो नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो बनेगा सिग्मा वन। और सेकंड आपके पास सैंपल होगा कि एक्स बार टू होगा बी मीन ऑफ सेकंड रैंडम सैंपल ऑफ साइज, इसमें एन साइज आ जाएगा एन टू फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, इस नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो मीन है वो आपके पास हो जाएगा म्यू टू, और जो नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो जाएगा सिग्मा टू। देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, और अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंस बिटवीन मीन पढ़ते हैं तो वो बनेगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के अकॉर्डिंग जो मीन होगा वो म्यू वन माइनस म्यू टू बनेगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इक्वल आएगा सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू। द वेरिएबल और जो फार्मूला आपके पास बेसिकली बनेगा, जैसे हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल में पढ़ा था, ये आपके पास फार्मूला यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है और ये मिड वाला जो था ये पैरामीटर होता है, उसी तरह से ये आपके पास जस्ट फार्मूला होगा। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू। ये आपके पास फार्मूला है जो कि आप केस वन में यूज़ करेंगे। अब हम इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं हाइपोथेसिस का, जो कि हमने अप्लाई करना है, और देन इसकी एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसीजर है कि आपने इस हाइपोथेसिस को स्टार्ट कैसे करना होगा, फर्स्ट स्टेप आपके पास आते हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन्होंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मुलेट द नल एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि आपने सबसे पहले अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, जो कि आपके पास बनेगा। पहले आपके पास सिंपल था, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड एच वन म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब ये डिफरेंस बिटवीन मीन का केस है, तो यहाँ बनेगा एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा आ जाएगा एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर आपके पास म्यू वन माइनस म्यू टू की कोई वैल्यू डिफाइन होगी तो आप जीरो की जगह पर वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। इक्वल और नॉट इक्वल्स टू वाला केस जो है ये टू टेल्ड होगा। उसके बाद है एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और म्यू एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। उसी तरह से अगेन, जैसे वो आपके पास टू केसेस थे, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन नहीं है तो। अगर ये वाला हाइपोथेसिस गिवन है तो आप यही वाला यूज़ करेंगे। और h1 जो है ये लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा म्यू वन माइनस माइनस म्यू टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद थर्ड जो है वो स्टेप आपके पास आ जाता है एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग जो अगेंस्ट आपके पास जो ऑपोजिट हाइपोथेसिस बनेगा वो होगा एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ लेस देन ज़ीरो। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो की वजह से ये वन साइडेड का है लेकिन राइट साइड का, और ये लेस देन के साइन की वजह से ये वन साइडेड है लेकिन लेफ्ट वाला। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाएगा डिसाइड ऑन सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। आपने अपना सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा डिफाइन करना होगा। वो क्वेश्चन में गिवन है तो देना वो यूज़ करेंगे, और नहीं गिवन तो आप 0.05 यूज़ करेंगे। वो आपने देखना है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपके पास द टेस्ट स्टैटिस्टिक जी इज़, जो क्वेश्चन में फार्मूला बनेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वो होगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू। फोर्थ स्टेप में आप इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से जी की वैल्यू को निकाल लेंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम सैम्पल डेटा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपने क्रिटिकल रीजन सॉल्व करना है कि अगर आपके पास फर्स्ट में टू टेल्ड वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपने z की टू वैल्यूज़ आएंगी अल्फ़ा बाय टू के अकॉर्डिंग, एक दफ़ा माइनस के अकॉर्डिंग होंगी और एक दफ़ा प्लस के साइन के अकॉर्डिंग होंगी। अगर आपके पास h1 का जो केस है वो आपके पास ग्रेटर वाला होगा, यानी कि वन साइडेड राइट वाला होगा, तब आपने सिंपल z अल्फ़ा में देखना है और साइन जो होगा और वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव साइड की होगी। उसके बाद अगर आपके पास h1 लेस वाला है तो उस केस में आपने z की वैल्यू को सिंपल अल्फ़ा में देखना है और माइनस के साइन के साथ। उसके बाद सिक्स स्टेप में आपने अपने z और क्रिटिकल रीजन की वैल्यू को देखना है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट। उसके अकॉर्डिंग सिक्स स्टेप में आप कंक्लूजन कर देंगे। आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे अगर z की वैल्यू रिजेक्शन रीजन से बाहर चली जाती है क्रिटिकल रीजन से, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो z की वैल्यू लाई करेगी, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 16.9 सॉल्व की थी कि अगर वो क्रिटिकल रीजन में आ रही थी देन आपने उसको एक्सेप्ट किया, अगर वो ना आती तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। यही स्टेटमेंट में मेंशन है। अब हम लोग केस वन के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 16.10 को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 16.10 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरियंस 24 गेव x बार 1 इज इक्वल्स टू 15 अ सेकेंड सैम्पल ऑफ साइज 28 from another normal population with variance 80
गिव एक्स बार टू इज इक्वल टू 13. टेस्ट एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू 0 लेट एल्फा इज इक्वल टू 0.05. अब इस केस में सबसे पहले जो यहाँ पर पब्लिशर है उन्होंने हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए एक स्टेटमेंट में वर्ड मैंशन कर दिया है कि आपके पास फर्स्ट केस में रैंडम सैम्पल जो एन वन है वो 36 है, यानी कि जो केस हम लोग यूज़ करते हैं कि एन आपके पास अगर 30 से बड़ा है तो वो आपके पास अननोन का क्वेश्चन बन जाता है. लेकिन अब इस केस में इन्होंने हमें जो एन है वो एक 36 मेंशन कर दिया है और जो दूसरा एन टू है वो 28 मेंशन कर दिया है. तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात नहीं है. आप लोगों ने अगर यहाँ पर एक कोई सा भी चाहे एन वन चाहे एन टू अगर कोई भी एक लेस हो तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉन ही यूज़ करना है. नॉन वेरियंस या नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा आपने वो यूज़ करना है. अब एन वन 36 है, वेरियंस यानी कि सिग्मा वन स्क्वायर जो है वो 24 है, एक्स बार वन 15 है और सेकंड सैंपल में आपके पास जो एन टू है वो 28 है, वेरियंस सिग्मा टू स्क्वायर 80 है, एक्स बार टू 13 है. हाइपोथेसिस आपको दोनों गिवन है. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये टू टेल का क्वेश्चन है और अल्फा 0.05 है. अब हम लोग एग्जांपल नंबर 16.10 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 16.10 में हम लोगों के पास जो फर्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हाइपोथेसिस जो है वो आ जाएगा एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 0, एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू 0 जो कि हम लोगों को गिवन है और ये टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है. सेकंड स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब इसमें हम लोगों के पास जो अल्फा है वो है 0.05 जो कि हमें स्टेटमेंट में मेंशन है. अब थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि हमने यूज़ करना है. अब थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो फार्मूला यूज़ करना है वो मेंशन कर दिया जो कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा वन स्केयर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर बाय एन टू. अब अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है अब आप लोग वो यूज़ करेंगे. सबसे पहले जो एक्स बार वन है उसकी वैल्यू है 15 और एक्स बार टू जो है वो है 13. म्यू वन माइनस म्यू टू इन्होंने हमें हाइपोथेसिस में ही कहा हुआ है कि दोनों इक्वल हैं जीरो के, तो इस जगह पर आपने ज़ीरो को पुट कर देना है. उसके बाद जो आपके पास सिग्मा वन स्केयर यानी कि क्वेश्चन में जो वेरियंस गिवन है सिग्मा वन स्केयर उसकी वैल्यू है 24 और जो एन वन है वो है 36. अब आपने यहाँ पर सिग्मा क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके पास अगर एक एन कोई भी एन वन या एन टू अगर दोनों ही 30 से लेस है तब भी सिग्मा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई एक 30 से लेस है जैसे कि आपके पास एन वन तो 36 है लेकिन जो एन टू है वो है 28 तो ये 30 से लेस है, इस वजह से हमने यहाँ पर सिग्मा वाला केस यूज़ किया. और उसके बाद जो वेरियंस की वैल्यू है वो है 80. अब आप यहाँ पर 15 में से 13 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 24 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे और 80 को 28 के साथ, देन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर z का आंसर आ जाएगा. अब हम लोगों ने यहाँ पर 15 में से 13 को माइनस किया तो आंसर आया 2. 24 को 36 के साथ डिवाइड किया 0.666, 80 को 28 के साथ 2.857, 0.666 और 2.857 को ऐड किया तो 3.5231, अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 1.8702, 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो z का आंसर आ जाएगा 1.0655. अब उसके बाद जब हम लोग फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन करेंगे तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वो टू टेल्ड का है तो हमने को देखना है z अल्फा बाय 2 में, यानी कि अल्फा को टू टेल्ड में. तो अगर हम 0.05 को टू टेल्ड में देखते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है प्लस माइनस के साइन के साथ 1.96, एक दफ़ा नेगेटिव वाली साइड पर 1.96 और एक दफ़ा प्लस वाली साइड पर 1.96. अब जो z का जो हमारे पास आंसर है वो है 1.0655 और ये आंसर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1.0655. अब टू टेल्ड का है तो इसका मतलब ये है ये पूरा रीजन आपके पास आता है 1.96 से माइनस 1.96 से प्लस 1.96 का रीजन. अब उसके मिड में ये 1.0655 वैल्यू लाइक कर रही है इस पूरे रीजन में, क्योंकि ये टू टेल्ड का है तो ये पूरा रीजन आएगा तो ये एरिया आप पूरा शेड कर देंगे माइनस से लेकर प्लस साइन तक, ये वाला एरिया इस तरह आपने लाजमी शेड करना है. शेड किए बगैर आपका क्रिटिकल रीजन में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप शेड नहीं करेंगे एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि ये
कौन सा एरिया आपने शेड किया। तो इस तरह से ये एरिया आप शेड करेंगे और इस शेडिंग के ना करने की वजह से आपके मार्क्स कट होंगे। तो ये लाजमी आपने याद रखना है कि शेड आपने लाजमी करना है, एक्सेप्ट हो रहा हो या रिजेक्ट। तो ये वैल्यू जो जी की है आपके पास 1.0655 इस क्रिटिकल रीजन के रेंज में आ रही है। तो हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट द जी इज इक्वल टू 1.0656 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन की एरिया में लाई कर रही है। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जांपल नंबर 16.10 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 16.11। एग्जांपल नंबर 16.11 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, द टू सैंपल्स ए एंड बी डिटेल्ड बिलो वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ सेनेट डिवीजन 0.8, टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन्स इज सिग्निफिकेंट। आपके पास इस क्वेश्चन में टू सैंपल्स हैं, ए और बी का डाटा है, जिसे आपके पास एक्स बार वन और एक्स बार टू थे। अब यहाँ पर ए और बी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन में आप दोनों सैंपल्स के लिए आपके पास जो सेनेट डेविएशन है वो 0.8 है, यानी कि जो सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू, सिग्मा वन और सिग्मा टू हैं, उन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास 0.8 है, आप वही यूज़ करेंगे। टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन इज सिग्निफिकेंट, इसमें आपके उन्होंने यह बताया हुआ है कि जो हाइपोथेसिस है, सिग्निफिकेंट का मतलब है इक्वल, कि जो आपके पास जो है डिफरेंस बिटवीन मीन यानी कि म्यू वन माइनस म्यू टू, वो आपके पास टू टेल्ड वाला सिग्निफिकेंस है, यानी कि आप में एक यूज़ करना है एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा यूज़ करना है एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सैम्पल नंबर वन में आपके पास ए है जिसमें सेवन वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है नेक्स्ट में वो है एट। सेवन और एट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अब आपके पास सेनेट डेविएशन तो मेंशन है, एक्स बार वन एक्स बार टू आपने निकालना है, म्यू वन माइनस म्यू टू जीरो हो जाएगा, और एन इसमें आपके पास सेवन है और इसमें एट है, लेकिन आपने एक्स बार वन और एक्स बार टू सॉल्व करना है। तब हम लोग इस एग्जाम्पल नंबर 16.11 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 16.11 में आपने अपना नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद अल्फ़ा आपको डिफाइन नहीं है, तो आप यहाँ पर 0.05 वाला ही यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप अपना फार्मूला लिख देंगे। अब थर्ड स्टेप में जो हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें अपना फार्मूला मेंशन करेंगे, बेसिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू, ये वो फार्मूला है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब इन्होंने हमें इस केस में कह दिया है कि आपके पास जो दोनों वेरियंसेज हैं यानी दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन हैं, उन दोनों की वैल्यू है 0.8। तो अब आपने यहाँ पर सेपरेटली भी लिख सकते हैं और उसको आप 0.8 को स्केयर करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर आप जो वैल्यू है दोनों में सेम है तो आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे कि आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। अब इन्होंने हमें ये कह दिया है कि दोनों जो वेरिएंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वन और सिग्मा टू, दोनों की वैल्यू सिग्मा के इक्वल हो जाएगी यानी कि 0.8। तो आप यहाँ से सिग्मा जो है ये दोनों का, इन दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, सिग्मा बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर बन जाएगा वन बाय एन वन प्लस वन बाय एन टू, और यही फर्दर फार्मूला आप नेक्स्ट कॉम्प्यूटेशन में अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला लिख लेने के बाद हमने कंप्यूटेशन में ए और बी जो टेबल हम लोगों को गिवन है, हम लोगों ने यहाँ पर वो मेंशन कर लिए। अब 10.5 से 14.8 तक की सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर समेशन एक्स ए, क्योंकि हम ए नेम है तो हम इसको एक्स ए का नेम दे देंगे, और यहाँ पर समिशन एक्स बी, इन सारे कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 10.5 से 14.8 और 11.3 से 15.6 तक। अब 89.6 एक्स ए का आंसर आया है और एक्स बी का आंसर है 109.4। अब हम लोगों ने एक्स बार वन और एक्स बार टू सॉल्व करना है, तो एक्स बार वन के अकॉर्डिंग जो एक्स ए है, क्योंकि बेसिक इन्होंने यहाँ पर वन को ए और टू को बी से डिनोट किया है, तो यहाँ पर एक्स ए का जो हम लोगों के पास सम है, हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे जो कि है 89.6। और इस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल, सेवन, तो एन वन हम लोगों के पास सेवन है। अब हम 89.6 को सेवन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स बार वन का आंसर आ जाएगा,
और यहाँ पर हम नेक्स्ट 12.8 आया है। नेक्स्ट अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट टू निकालना है जो कि समीशन एक्स बी बाई एन टू है। तो समीशन एक्स बी का आंसर है 109.4 और इस कॉलम में कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं 8, तो इसका मतलब है एन टू हम लोगों के पास 8 है। 109.4 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक्स बार टू का आंसर आ जाएगा। एक्स बार टू का आंसर आ गया 13.675। अब हम ये सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। एक्स बार वन का जो आंसर है वो है 12.8 और एक्स बार टू का जो आंसर है वो है 13.675। अब ये छोटी बड़ी वैल्यूज़ होने का मकसद ये है कि जब आपके पास आंसर आएगा तो नेगेटिव आएगा। म्यू वन माइनस म्यू टू आपके पास ज़ीरो है। अब उसके बाद 1/7 को हमने जब डिवाइड किया तो आंसर है 0.1428 और 1/8 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया हम लोगों के पास 0.125। एक्स बार वन और एक्स बार टू का आंसर है 12.8 और 13.675। जब दोनों आंसर्स को माइनस किया तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है, तो -0.875। उसके बाद 0.1428 और 0.125 को ऐड किया तो 0.2678 और ये म्यू वन माइनस म्यू टू ज़ीरो ही है। उसके बाद जब अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5174। 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4139। माइनस 0.875 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो जी का आंसर आ जाएगा -2.113। अब उसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप में करना है क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो टू टेल्ड का है, तो हमने 0.05 को टू टेल में देखना है। तो जब हम टू टेल में देखेंगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा 1.96। तो यहाँ पर उसी तरह से आप यहाँ पर कर्व ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव 1.96 और पॉजिटिव वाला 1.96। अब आपके पास जो जी की वैल्यू है वो है नेगेटिव की, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जी की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव वाले रीजन में ही लिखनी है। अब -1.96 वाली वैल्यू और -2.113 ये वैल्यू -1.96 से छोटी है, तो आप इस जगह पर लिखेंगे -2.113। अब -2.113 तो ये जो -2.113 है ये -1.96 से +1.96 के रीजन में ये वैल्यू नहीं आ रही, इस रीजन से बाहर जा रही है, वो रीजन है रिजेक्शन रीजन का। तो हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट द जी इज़ इक्वल्स टू -2.113 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, ये इस रीजन से बाहर चला गया है, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। तो ये हम लोगों का एग्जांपल नंबर 16.11 का कंक्लूजन था और ये हम लोगों के पास यहाँ तक एग्जांपल नंबर 16.11 कंप्लीट हो गया और आज की हमारी वीडियो भी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।